नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। आईशेयर मोटर लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 2670 के ऊपर है, 3% की बढ़ोतरी हुई एक तरह से 10/3/2021 को। 11/3/2021 को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में मार्केट बंद रहेगा, 12/3/2021 को खुलेगा दोस्तों। तो आईशेयर मोटर किस तरह से कारोबार कर सकता है उसकी बात करेंगे। इसका Q3 का रिजल्ट बढ़िया आया था, तब से एक तरह से गिर रहा है ये, और स्टॉक लगभग 2500 के आसपास आया। 2500 के आसपास एक वीडियो भी बनाने की कोशिश थी कि आईशेयर मोटर अब बाउंस बैक करना चाहिए, तो ऊपर की तरफ तो आ गया है। काफ़ी निवेशकों को, एक तरह से रिटेल निवेशकों को काफ़ी अब रिलीफ मिला होगा। आने वाले समय में ग्रोथ की बात है और सेल्स जैसे बढ़ के भी आ रहे हैं, डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। बट ये कि शॉर्ट टर्म के लिए जो कारोबार करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है ये। जब गिरता है तो लगभग 15-20% गिरता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। देखिए, जब गिरता है तो लगभग 15-20% की गिरावट होती है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और इसका 52 वीक है 3037, तो 3037 से इसमें गिरावट हुई है। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा उसकी बात करेंगे टेक्निकल चार्ट के अनुसार। और इसका जो मार्केट कैप है 73,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। अगर हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस करें तो पिछले एक महीने में तो गिरावट हुई है, लगभग 7-8% की इसमें गिरावट हुई है, और एक साल में 49% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करते तो अभी माइनस में है। तो जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ की बात आ रही है, धीरे धीरे देखिए एक तरह से गाड़ियां बिकेंगी, और रॉयल इनफील्ड काफ़ी फेमस है टू व्हीलर में, तो आईशेयर मोटर को फायदा होगा। रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से अपना 52 वीक हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा। बट ये है कि जिनके पास समय है, टाइम है, वक्त है, तो एक तरह से उनको अच्छा बेनिफिट दे सकता है स्टॉक। बट जो ट्रेड करते हैं जैसे कि 2%, 3%, 4%, उसी हिसाब से फिर स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, ऐसा लगाना चाहिए। तो जो नए निवेशक देख भी रहे हैं, पुराने भी हैं, जैसे कि आईशेयर मोटर को देखते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, अगर गिरता है तो अच्छा खासा गिरता भी है, और बढ़ता भी तो तेज़ी से बढ़ता भी है। तो ये पॉइंट है, इसीलिए ज़्यादातर रिटेलर इसको पसंद भी करते हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है इसमें। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं और उसी के अनुसार इसकी बात करते हैं। दोस्तों ये आईशेयर मोटर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए एक तरह से आईशेयर मोटर का स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये, और 3000 तक गया, उसके बाद फिर गिरावट हुई, फिर बढ़ा, फिर गिरावट हुई। Q3 का रिजल्ट निकला तो एक तरह से 2800 के आसपास, 2700 के आसपास कारोबार कर रहा था ये, वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई, लगभग 2470-2500 तक आया था। तो इसी के आसपास वीडियो भी बनाया था, तो बताने की कोशिश थी कि ये बढ़ता हुआ दिख सकता है, और Q3 का रिजल्ट भी अच्छा आया था। बट ये है कि अभी क्या हो रहा है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आ रही है। जैसे कि बहुत सारे निवेशक इस वक्त क्या कर रहे हैं कि मार्केट गिर जाए करके प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, जो T+5, T+10 में ट्रेड करते हैं वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो लगभग 2672 के आसपास तो पहुंच गया दोस्तों ये। तो ये देखिए अभी इस कैंडल को हम रीड कर लेते हैं एक तरह से। 2601.90 रुपये में ये ओपन हुआ है, हाई बनाया है 2687 और लो है 2601, और क्लोजिंग आए 2672, यानी मीन्स ओपन और लो एक साथ हैं, तो 2600 का एक स्टॉप लॉस होगा। अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया 2500 का, तो 2600 का होना चाहिए, बट उससे पहले एक, जैसे अब 2672 है तो मान के चले कि एक तरह से 2650 या 2630 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ आ सकता है 2600 के आसपास, तो 2600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर की तरफ ये लगभग 2687 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए फिर इसका जो है लगभग 2700 और 2730 तक ये जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों हमें, फिर लगभग 2730 से 2740 तक जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि अगर किसी ने नीचे के लेवल पर लिया है तो इसको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अभी, और लगभग 2600 का स्टॉप लॉस, और जैसे ही ऊपर की तरफ 2700 के ऊपर ट्रेड करता है तो अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा लेना चाहिए प्रॉफिट का, जिनको डर लगता है। और जिनके पास स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से है तो उनको एक तरह से उनका टारगेट ये होना चाहिए 2860 के आसपास होना चाहिए दोस्तों, और थोड़ा सा और टाइम होगा, समय होगा, तो डेफिनेटली ये इसको भी क्रॉस करता हुआ दिखेगा। बट ये है कि Q4 का रिजल्ट से पहले हो सकता है कि इसी के आसपास तक जाने की कोशिश करे। अगर मार्केट में इसी तरह का रहेगा, लगभग 15,000 या 15,000 के आसपास नियर अबाउट रहेगा, अगर मार्केट जो है इसी के आसपास, यानी मीन्स निफ्टी 15,000 के आसपास 100-200 पॉइंट अप डाउन रहेगा, तो ये यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। जो ये गिरावट हुई इसको पूरा फिलअप करता हुआ दिख सकता है, और जब अपना हाई ब्रेक करता है तो एक बात ध्यान दीजिएगा, वहाँ से अच्छा खासा तेज होता है कोई भी स्टॉक हो,
बट ये समय लगा सकता था। अभी अगर चार्ट के अनुसार ट्रेड करेंगे तो अब ट्रेंड में बना हुआ है, इनके पास समय है, वक्त है, डेफिनेटली 2740 उसके बाद लगभग ऊपर की तरफ 2860 से 2870 टारगेट होना चाहिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल तो यहाँ तक का टारगेट जरूर रखिए जिनके पास वक्त है, समय है, और जो ट्रेड कर रहे हैं, जो इंट्राडे कर रहे हैं उनका 2% का स्टॉप लॉस, और जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड कर रहे हैं वो 3% का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर गिरावट होती है इसमें, नीचे की तरफ दिखता है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है दोस्तों, एक तरह से ये काफ़ी वॉलेटाइल है और इसमें काफ़ी रिटेलर एक्टिव भी रहता है। RSI को भी लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अनुसार भी काफ़ी निवेशक कारोबार करते हैं और उसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों डेली में देखिए एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति आ गई थी इसमें और गिरावट आई, काफ़ी लोअर लेवल पे आई, एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति थी, तो एक ड्रॉप आया इसमें, फिर एक बड़ा ड्रॉप आया, गिरावट हुई और फिर अब ये अप ट्रेंड में है। आयशर मोटर का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ की बात आ रही, ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है, अगर निफ्टी इसी के आसपास कारोबार करता है नेक्स्ट 20 डेज या एक महीने के अंदर, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ दिखना चाहिए हमको, लगभग 2800 के आसपास, 2870 के आसपास। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं उनको भी वेट करना चाहिए, और जो ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म और इंट्राडे उनको अपने परसेंटेज के हिसाब से, यानी मीन इंट्राडे 2%, शॉर्ट टर्म के लिए 3% का, और जिन अगर कोई लेना चाहता है, गिरावट होती है तो इसमें ज़रूर नज़र रखिए, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।